चलिए आज हम प्लस वन केमिस्ट्री में एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही कंटिन्यू है। और हमारे आज के टॉपिक का नाम है स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन, हालांकि हमारे लिए ये शब्द बिल्कुल नया है। ये शब्द कहता क्या है? कुछ एक तो हमने टेंथ में भी इसके बारे में बात की है, टेंथ में आप सबने पढ़ा भी होगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस से ही स्टोइकियोमेट्री रिलेटेड होता है। ग्रीक वर्ड है स्टोइकियोमेट्री, इट्स अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है टू मेजर एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को मेजर करना। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है टू मेजर एन एलिमेंट। लेकिन स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री के टर्म में क्या है? अब केमिस्ट्री के टर्म में ये डील कैसे कर रहा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कारण उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में काम कर रही है, इन टर्म्स ऑफ मासेस, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम्स बाय अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बट हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे कर रही है? आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि जैसे रिएक्टेंट किसी रिएक्शन का हिस्सा है, रिएक्टेंट, और अगर हम दूसरी साइड में उसके दूसरे हिस्से यानी कि प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? हम यही कहेंगे ना कि इसका मास इसके मास के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज इट ऑबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टोइकियोमेट्री सिर्फ यही बताने में हमारी हेल्प करती है कि इन दोनों का रिलेशन बताइए, मास में रिलेशन बताइए, मॉलिक्यूल्स में रिलेशन बताइए, नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन बताइए, वॉल्यूम में रिलेशन बताइए। वॉल्यूम को रिलेशन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप सबने पढ़ा है, अगर हम गैसेस के बारे में जानते हैं, या हमारे रिएक्टेंट गैसेस हैं या हमारे प्रोडक्ट गैसेस हैं, तो गैस के लिए हमने एसटीपी पर वॉल्यूम पहले भी पढ़ी है, एसटीपी पर वॉल्यूम फिक्स होती है 22.4 लीटर, और हम इसको अगर मिलीलीटर में लिखते हैं तो 2400 ml और सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इसी क्वांटिटिव रिलेशन को हम स्टोइकियोमेट्री टर्म बोलते हैं, और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। इन्हीं बातों को हम डील करते हैं, तो एक्चुअल में और क्या इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है ये, यहाँ पे एक बात जो मैं नोट की टर्म में डालना चाहूंगी, एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए वन मोल ऑफ सब्सटेंस कब कहा जाएगा? हम कब कहेंगे कि वो एक मोल सब्सटेंस है? वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज टेकन व्हेन इट्स गिवन मास is equal to its molecular mass, that is, हमने W को डिनोट किया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास के रूप में। तो W कोई सब्सटेंस है, कोई रिएक्टेंट है, कोई प्रोडक्ट है। W अगर W की वैल्यू उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है और वो दोनों वैल्यू 1 है, तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1, बिकॉज वी नो दैट कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W ओवर मोलर मास। अगर इन दोनों की वैल्यू ही 1 है तो नंबर ऑफ मोल भी क्या है? 1। तो इसका मतलब हमारा गिवन मास कब मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा? जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल 1 होंगे। इन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को करने के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे। प्रॉब्लम्स हैं क्या और कैसे रिलेट करती हैं, इन प्रॉब्लम्स के अंदर हम आगे बात करते हैं। तो दिस इज अ मेनली 3 टाइप, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी यूज थ्री वेज, हम तीन ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका होता है मास
रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। अब ये मास मास रिलेशनशिप क्या कह रहा है? मास मास रिलेशनशिप किसके बारे में बता रहा है? कि इफ यू नो द मास ऑफ, इफ यू नो द मास ऑफ, नो द मास ऑफ वन रिएक्टेंट, वन नो द मास ऑफ वन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू कैलकुलेट द मास ऑफ, द मास ऑफ अदर रिएक्टेंट, अदर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट वे to calculate the mass of one reactant and product. We have to know the mass of one reactant or product given in the balanced equation. These are all will given in a balanced equation. ये होना चाहिए कि particularly balanced equation के अंदर ही होगा। अगर equation balanced नहीं है तो हम इस प्रकार के किसी भी calculation को complete नहीं कर सकते। मास मास relationship हमें balanced equation के ऊपर ही applicable करने के लिए कहता है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। इस एग्जांपल में हम मास मास रिलेशनशिप को और बेटर कर पाएंगे। एक क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में मैं आपको एक बैलेंस्ड रिएक्शन दे रही हूँ। एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन के तौर पर आप उसको ये हमें ये कंफर्म करना है कि हाउ वी कैलकुलेट द मास मास रिलेशनशिप। द रिएक्शन इज सी ए सी ओ थ्री सॉलिड प्लस एच सी एल एक्वस gives CaCl2 aqueous plus H2O plus CO2 gas. This is solid, not aqueous. Now this is an unbalanced equation. Now we calculate, and now we first we balance this equation. Calcium on right hand side is 1, calcium on left hand side is also 1. Now we just balance it by taking 2. H2O, CaCl2, 2HCl. I think this is okay. This is balanced one. अब इसका relation क्या है? Mass mass का relation क्या है? Unitary method क्या होता है? Unitary method में हम समझते कैसे हैं? ये हमारे लिए एक balanced equation में क्या है? One mole. ये हमारी balanced equation में क्या है? Two mole. ये हमारी balanced equation में क्या है? One mole. This is also again one mole. This is also again one mole. Unitary method कहता है कि अगर आपको one mole के बारे में कुछ जानकारी है तो one mole की बातें बताइए। एक mole में इसका mass, एक mole में इसका mass किसके बराबर बताया गया था? Molecular mass के। तो calcium carbonate का जो mass एक mole में है वो उसका क्या होगा? Molecular mass. Similarly, एक मोल में अगर मॉलिक्यूलर मास है तो दो मोल के लिए भी मॉलिक्यूलर मास होगा। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ टू मोल ऑफ एचसीएल? 36.5 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ दी सीसीएल टू? 111 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ दी वाटर? व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ दी सीओ टू? अब इनका रिलेशन अकॉर्डिंग टू द मास मास रिलेशनशिप है कैसे? जरा इसको आराम से, ध्यान से, बिल्कुल आराम से समझना है मैं क्या बोलने जा रही हूँ और आप क्या समझने जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछूंगी, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो कितने मोल कैल्शियम क्लोराइड के बनेंगे? आप क्या कहेंगे? वन मोल। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट का अगर एक मोल रिएक्ट करता है तो उसके साथ HCl के कितने मोल काम करेंगे? टू मोल। तो मोल की टर्म में बात होगी, लेकिन हमें बात किसकी टर्म में करनी है? मास मास की। तो अब हाँ, मास के ऊपर बात करके देखते हैं। 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करना चाह रहा है तो कितने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनेगा? 111 ग्राम। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो HCl कितना लगेगा? That is 2 into 36.5 gram.
which one is equal to 73 ग्राम, राइट। ये इक्वल हो गया। अगर हम इन दोनों को हटाकर वाटर और CO2 के बारे में जानना चाहें तो यहीं से रिलेट करेंगे। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट काम करता है तो कितने ग्राम वाटर रिमूव हुआ, हम क्या बोलेंगे 18 ग्राम। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया गया है या रिएक्ट कर रहा है तो कितने ग्राम वहां से जो है CO2 रिलीज हुई, दैट इज 44 ग्राम। सिमिलरली इसी प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, मास मास रिलेशनशिप। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं, ये तो एक जनरल ट्रेंड था जो आपको ये बताने के लिए कि रिलेशन क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं। अब इसी के पहले हम मास मास रिलेशन के क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम जो इसके आगे के तीन वे हैं उनके रिलेशंस करेंगे। नाउ वी कंटिन्यू फर्स्ट थ्री वेज, दिस इज द फर्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन वे, दिस इज द फर्स्ट वे। Now come to that. The second way. Second way. The first way is mass mass, and the second way is mass volume relationship. Mass volume relationship. This is just similar to that. You have to know the mass or volume. If you have to know the mass or volume of one reactant or product, तो क्या कर सकते हो, to calculate the mass और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम ऑफ अदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। जैसे पीछे वाले प्रोसीजर में हमने मास मास रिलेशनशिप किया था, उसमें हमें मास के ही बारे में बात करनी थी, किसी रिएक्टेंट के, किसी प्रोडक्ट के। यहाँ पर रिलेशन मास और वॉल्यूम का है, तो हमें किसके बारे में बात करनी है, या तो मास पता होना चाहिए या वॉल्यूम पता होनी चाहिए। मास और वॉल्यूम के टर्म के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ करते हैं, बहुत ही इजीएस्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रही हूँ, दैट इज नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ जब मिलकर अमोनिया गैस बनाती है, दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हम सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। हमारे पास रिएक्टेंट में दो नाइट्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट में एक ही है, तो हम इसको बाय हीट एंड ट्रायल मेथड बैलेंस कर लेंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हो गए 6, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है, हमारे पास पहले 2 एटम थे, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यूनिटरी मेथड यहाँ पर लगाकर देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि STP पर गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। इस बात को याद रखिएगा हमेशा, जब भी हम बात करेंगे किसी गैसेस की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में, तो एसटीपी पर गैस की वॉल्यूम हमें हमेशा कन्फर्म रहनी चाहिए। नाउ यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन में हमें क्या पता है कि नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, 1 मोल है, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, और अमोनिया के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। बिल्कुल सही बात है, मोल के टर्म में हमने आसानी से कर लिया, लेकिन यहाँ तो मास और वॉल्यूम की बात कर रहा है। और मैंने क्या कहा, अगर गैसेस हैं तो हम आसानी से वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, आसानी से हम मास की बात कर सकते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन के मास की बात करूं तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14 ग्राम, 2 एटम है तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 28 ग्राम, That is becomes 28 ग्राम, right? Now हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 ग्राम। मेरे पास कितने एटम हैं? मेरे पास यहाँ पर कितने एटम हो गए, 6, तो इसका कितना अमाउंट हो गया, 6 ग्राम।
मेरे पास अमोनिया का मास कितना है, नाइट्रोजन का 14 3 17 17 और 2 34 ग्राम। मेरे पास 2 मोल अमोनिया का मास है, 2 मोल अमोनिया का मास हो गया। अब मुझे वॉल्यूम से रिलेट करना है। वॉल्यूम से रिलेट कैसे हुआ, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, इसकी वॉल्यूम भी एसटीपी पर उतनी ही होगी, इसकी वॉल्यूम भी एसटीपी पर इतनी ही होगी और इसकी वॉल्यूम भी एसटीपी पर इतनी ही होगी। तो क्या मैं इसके 1 मोल के लिए इसकी वॉल्यूम ये लिख सकती हूँ, और क्या इसके 3 मोल के लिए मुझे अगर वॉल्यूम लेनी है तो 3 × में 22.4 लीटर लिखूंगी, और मुझे इसकी वॉल्यूम लेनी है तो 2 × में 22.4 लीटर लिखूंगी। ये वॉल्यूम की टर्म में हो गया। अब इसको रिलेट करते हैं, रिलेट करके मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपके सामने इस प्रकार से कोई क्वेश्चन रख सकती हूँ कि अगर नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करता है तो अमोनिया के कितने मोल बनते हैं, आप कहेंगे 2। फिर मैं आपसे पूछूंगी अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करती है तो अमोनिया कितने अमाउंट में बनी, तो आप कहेंगे 34 ग्राम। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगर मैं आपको वॉल्यूम के टर्म में पूछना चाहूं कि जब 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करे हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ द अमोनिया गैस, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज 44.8 लीटर, राइट। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 44.8 लीटर। तो मैंने मास बोला और आपने जवाब वॉल्यूम में दिया। मैंने कहा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करती है तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन का मास है, दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इफ वी नो द मास ऑफ वन रिएक्टेंट और वन प्रोडक्ट, देन वी कैलकुलेट द मास ऑफ वन रिएक्टेंट और अदर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां से बात नहीं कर सकती, मैं उस तरफ से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। उस तरफ से क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं ऐसे कहूंगी कि अगर 2 मोल अमोनिया के काम करते हैं तो कितनी नाइट्रोजन चाहिए, अगर 34 ग्राम अमोनिया काम करती है तो कितने ग्राम नाइट्रोजन चाहिए थी, तो दैट शुड बी द इक्वल। इन सभी रिलेशंस पे, अभी एक रिलेशन और रहता है, इन सभी रिलेशंस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स, सो यू मस्ट हैव वेरी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक, मस्ट हैव वेरी केयरफुल अबाउट द यूनिटरी मेथड, हाउ वी कैलकुलेट 1 मोल, हाउ वी कैलकुलेट 3 मोल, द वैल्यू ऑफ 1 मोल और वैल्यू ऑफ द 3 मोल।